कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ेंगी सोनिया गांधी। आपको बता दें ये खबर एक ऐसे दौर में आई है जब बिहार में इलेक्शन है, अगले साल पश्चिम बंगाल में होना है मतदान और उसके अगले साल उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है पंजाब भी, पांच राज्य महत्वपूर्ण जो 2022 में होंगे, 2021 में पश्चिम बंगाल और 2020 के इसी अक्टूबर नवंबर में बिहार में होने हैं चुनाव। ऐसे में नेतृत्व कौन संभालेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सोनिया गांधी ने पार्टी के लोगों से ये कह दिया है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक साल पूरा कर चुकी हैं, पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। मौसमी सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, और कुछ क्या कहा गया है सोनिया गांधी की ओर से, क्यों छोड़ना चाहती हैं इस वक्त में वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद? मौसमी, देखिए चित्रा, अभी जिस तरह से तमाम कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद सोनिया गांधी ने जवाब देते हुए अपने पार्टी के नेताओं को ये चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने दो टूक कहा है कि उनका काम एक साल तक ये पदभार संभालने का था और इसकी वजह से ये कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया है। अब उनको आगे बतौर अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो नहीं संभालेंगी, वो इस पद से इस्तीफा देंगी और पार्टी अपना नेता आगे चुन ले। ये जवाब उन्होंने एक प्रतिक्रिया के तौर पे दिया है, जो चिट्ठी उनके पास पहुंची है लगातार उसमें कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए थे, उसके बाद सोनिया गांधी ने चिट्ठी वापस लिखी है। इसके कुल मिलाकर मौसमी ये साफ साफ दर्शा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ बड़े नेताओं की ओर से लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखा जाना, कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं पांच पूर्व मुख्यमंत्री सहित 23 पार्टी के नेता, सोनिया गांधी को ये खत लिखा गया और उसके बाद सोनिया गांधी की ओर से ये बड़ा बयान दिया जाना और कल CWC की मीटिंग होनी है, क्या उसमें इस बारे में ऐलान किया जा सकता है? क्या खुद सोनिया गांधी बोलेंगी कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगी, अब आप लोग जल्द से जल्द, एक टाइम फ्रेम क्या इसके लिए दिया जा सकता है? क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी की ताजपोशी उस दौर में हुई थी जब कांटो भरा ताज उनको पहनाया गया था, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने पद छोड़ा, फिर सोनिया गांधी ने कमान संभाली, लेकिन सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया कुछ वक्त तक के लिए और ये कहा गया कि दरअसल जब तक सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालेंगी, कांग्रेस पार्टी अपने भीतर से ही, यानी कि पार्टी के भीतर से ही एक नया नेतृत्व चुन लेगी, कांग्रेस की कमान संभालने के लिए किसी को अध्यक्ष बना लिया जाएगा। अब जबकि यहां पर लगातार नेतृत्व को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे थे, कांग्रेस में बड़ा बदलाव चाहते हैं पांच पूर्व मुख्यमंत्री, इसके साथ ही 23 पार्टी के नेता, मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो पल पल की जानकारी दे रही हैं हमें, और राहुल श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राहुल, सोनिया गांधी अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहती हैं, कल CWC की मीटिंग भी होनी है, क्या उस मौसमी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे, CWC की कल मीटिंग है, उसमें क्या इस बारे में ऐलान कर सकती हैं सोनिया गांधी? जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, ये जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक है वो इसीलिए बुलाई गई है, संगठन में जो लीडरशिप क्राइसिस है, नेतृत्व का जो लगातार पशुपेश बना हुआ है, उसको लेके सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी उनको मिली है उसके रिस्पांस में बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद से भी उन्होंने फोन पे वार्ता की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के ऑफिस से ये चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें तमाम दिग्गजों ने हस्ताक्षर किया और उसके बाद सोनिया गांधी ने ये कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई है जिसमें एक बड़ा शोडाउन हो सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम राज्य की इकाइयों से लेकर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इस चिट्ठी जो नेताओं की चिट्ठी लिखी है उसके खिलाफ है और लगता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी को डिवाइड करने की कोशिश है और इसके चलते कल की जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है चित्रा, उसमें जो है काफी घमासान मचने के आसार हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी का जवाब दिया है, सोनिया गांधी ने दो टूक कहा है कि वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और पार्टी अपना नेता एक अध्यक्ष खुद चुन ले। तो कुल मिला के एक तरीके से एक बड़ा नेतृत्व का संकट यहाँ कांग्रेस में बनते हुए लगातार, पहले राहुल गांधी रिजाइन करते हैं उसके बाद कमान सोनिया गांधी को संभालनी पड़ती है और फिर ये अगस्त का वो महीना है जो पिछले साल भी हमने देखा कि बड़ी गुत्थम गुत्थी मची थी कांग्रेस पार्टी में कि क्या होगा पार्टी का भविष्य, और आज भी पार्टी उसी कगार पे खड़ी हुई है। अब देखना कि कल जो 11 बजे कार्य समिति की बैठक है चित्रा, उसमें क्या होता है। 10 अगस्त 2019 को उन्होंने कमान संभाला था जब राहुल गांधी ने पदभार छोड़ दिया था, उसके बाद माना जा रहा था कि गांधी परिवार से बाहर का
कोई अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में अब जब ये बड़ी खबर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में युवा नेताओं के बागी तेवरों के बीच पार्टी में बदलाव की मांग जब तेज हो गई है मौसमी, पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की गई है। और महत्वपूर्ण यह है कि यह खत 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों, CWC के सदस्य, सांसद और एक दर्जन से अधिक पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने लिखा है। यानी कि टॉप टू बॉटम हर जगह चेंजेस किए जाएं, तो शुरुआत सोनिया गांधी ने खुद से ही कर दिया है कि आप मुझे हटाइए, नया अध्यक्ष लाइए। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार से इतर क्या कोई अध्यक्ष बन सकता है मौजूदा दौर में? क्या कोई ऐसा बड़ा नाम है जिसको लेकर सर्वसम्मति कांग्रेस के भीतर बन जाएगी? मौसमी, जो चिट्ठी है उसमें ये संकेत दिए गए हैं कि आप चुनाव कराइए, चाहे आप CWC हो चाहे ब्लॉक लेवल पे आप चुनाव कराइए, ये सुझाव दिए गए हैं। लेकिन सुझाव में कहते कहते ही तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो बहुत कुछ कह गए, और कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी की लीडरशिप है उस पर भी सवालिया निशान उन्होंने लगा ही दिया। क्योंकि एक तरफ कहा कि जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है उसमें कुछ होता नहीं है, वो एक आफ्टर रिएक्शन होता है जब बड़ी घटना घट जाती है, और वो दिशा नहीं दे पाई है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। यही नहीं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक होती है उसमें सोनिया गांधी के भाषण के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो एक तरफ जहां उन्होंने कहा कि गांधी परिवार जो है वो इस पूरे मसले में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के नेतृत्व पे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो NSUI में उन्होंने चुनाव कराए थे उस पर भी निशाना साधा। तो कुल मिला के सवाल गांधी परिवार और उस चिट्ठी के जवाब में सोनिया गांधी जो एक मंझी हुई राजनीतिज्ञ हैं, लगातार ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। जाहिर तौर पे बताया जा रहा है कि वो इस मसले को लेकर आहत होंगी, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो मेंबर्स है, चाहे आप मुकुल वासनिक ले लीजिए, चाहे आप जितिन प्रसाद ले लीजिए, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं, पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने एक बात नहीं कही। तो अगर आप कांग्रेस कार्य समिति में है तो आप इस मसले को बैठक में उठा सकते थे, आपने चिट्ठी का पूरा ड्रामा क्यों किया? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है।